रेस्क्यू कॉल हमको महनार बाजार हाजीपुर से आ चुका है। हम वहाँ रेस्क्यू के लिए आ पहुँचे हैं और क्या नाम है, वहाँ एक कुआं में रसल्स वाइपर गिरा हुआ है, उसको रेस्क्यू के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। देख सकते हैं कि हम लोग महनार के आसपास पहुँच चुके हैं और आप अगल बगल में देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बाढ़ टाइप का आया हुआ है। इधर भी दिखाइए, बाढ़ टाइप का आया हुआ है, क्या नाम है, चारों तरफ बाढ़ आया है। इसके वजह से सांप ऊपर जगह पे जाने का कोशिश कर रहा है, उसके दरमियान और वो कुएं में गिरा हुआ है, उसको हम रेस्क्यू करते हैं। देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे, किस तरह से रेस्क्यू हो पाता है हम आपको दिखाते हैं, रेस्क्यू कैसे होता है। रेस्क्यू के लिए एक जगह है जहाँ रसल वाइपर कुआं में गिरा हुआ है। भैया ये जगह कौन सा है? सिंघिया कमालपुर खिलवत पंचायत। और यहाँ ये भैया, इनका नाम डब्लू है और ये कॉल किए थे इनके लिए। आप देख सकते हैं कि बिग साइज का एक रसल वाइपर यहाँ गिरा हुआ है, कि पहली बार हम इस सांप को देख रहे हैं यहाँ। और अंकल लोग, पुराने आदमी उधर कीजिए, उन लोग का भी कहना है कि इस टाइप का सांप हमने पहली बार अपना इधर, हमें इधर देखे हैं इसे लाइफ में, इन लोग का कहना है। और मेरा भी फर्स्ट रेस्क्यू है जिसमें हम आज रसल वाइपर को पकड़ेंगे, और बहुत खतरनाक सांप होता है, इसमें हीमोटॉक्सिन जहर होता है। और देखिए किस तरह से हम इसको रेस्क्यू करते हैं, अच्छे तरह से इसको रेस्क्यू करते हैं। मेरा फर्स्ट रेस्क्यू है रसल वाइपर का, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि आप रसल वाइपर का वीडियो नहीं डालते, तो शायद आप आज आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आज रसल वाइपर का हम यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं, वो वीडियो आपको देखने को मिल सकता है। बात है, देखना, देखिए जानकारी ही कहीं भी बचाव है किसी का भी चीज़ का। ये गाँव घर में इतनो आदमी होगा कि आपको सांप काटने के बाद बोला होगा तो काम कर झाड़ फूक में, चलो ठीक हो जाएगा, ये हो तो सोच कहने वाला आदमी मिल जाए। उनका पैर देखिए, आप अपना पैर देखिए, एकदम किनारे के लिए दादी उसके अंदर जाता है। ना ना स्थिर, इतना धरफड़ाने की जरूरत कोई चीज में थोड़ी है, आंटी आराम से काम करना है हमको। हाँ क्या हाँ। कोई हर बढ़ाने का जरूरत नहीं। हाँ देखिए वो कल कैसे उधर आ जाते, जा 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 सर गया, इधर से डंडा से भगाओ ना, तो उधर से चल जाते ना वो पहला, वो अकेले ही रहेगा तो पूरा एकदम फंस गया था, बहुत अच्छा, लेकिन उसका सेवन नहीं किया। जा हो जाते यार ऊपर आने में। आप लोग साइड हो जाइएगा, आप लोग साइड हो जाइएगा, क्या करिएगा, मारिएगा। आप देख सकते हैं इसका शरीर थोड़ा देख लीजिए आप लोग, और देख लीजिए कितना खतरनाक सांप है रसल वाइपर, अच्छे से दिखाइए इनको, ठीक है। और मेरा अथी लाइए भैया, आप वो मेरा बैग लाइए, वो बैग ये वाला, हाँ वो लाइए, यही ना चाहिए। हाँ भैया लाइए ना भैया, आप पकड़िए तो उसकी पकड़िए, हाँ दूर से उसको पकड़िए। हाँ देखिए कितना तेजी से मूव कर रहा है सांप, बहुत मोटा सांप है। एक मिनट उसी रखिए ना, हम दिखाएंगे इसको, छोटी के कॉल करेंगे निकलता है, जख्म दिखाएंगे, अरे हम ऊपर ऊपर बैग ऊपर उठाई, बैग ऊपर उठाई, देख सकते हैं इसको पकड़ने में कितना मकसकत करना पड़ा है हमको, बहुत ताकत वेट वाला सांप है, बहुत वेट है इसके शरीर में, बड़ा भारी है। मैं आज पहली बार अपने अथी में रसल वाइपर पकड़ा, लाइफ में पहली बार रसल वाइपर को मैंने आज पकड़ा है। ला एक रस्सी दे दीजिए, तो बढ़िया एक रस्सी लाइए,
देखिए आवाज सुनिए, आवाज कर रहा है कुकर के सीटी की तरह आवाज कर रहा है। दिखाइए नजदीक से, निकल रहे बाप फका रहा है ना सांप जमा थे, सांप एकदम देख लियो वो अपना खोल ये बोला। हां बहुत गलत से कहा, हेलो बोला ना चल ले बोला ये खाओ ना पका रहा थे ना देख ना। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने एक रसल भाई पर रेस्क्यू किया है यहाँ कुएं से, उसको हम यहाँ रिलीज कर देते हैं, हमें पर्याप्त जगह है इसको रिलीज कर देते हैं। और वहीं एक गेहूं सांप जो कल हमने एक सपेरे से लिया था जो इसको बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं, खाना पीना खिला के इसको आप देखे हैं वीडियो में इसको खाना हम अंडा खिला के इसको अब यहाँ इसको हम रिलीज कर देते हैं, इसके लिए पर्याप्त जगह इसको हम रिलीज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम गेहूं सांप को रिलीज करते हैं, हम टच कर सकते हैं। भागो भागो, अब वीडियो बनाइए टच करने का। अब सांप का सांप दांत टूटा हुआ है तब टच क्या कीजिए। देखिए सांप का कि आप देख सकते हैं अभी जो हमने रसल वाइपर सांप पकड़ा था उसको हम यहाँ रिलीज करते हैं। अब देखिए इसको हम रिलीज करते हैं।